इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल से देख सकते हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार, जहां पर 2 महीने पहले ही जो है सोनू की शादी हुई थी, लेकिन कल दर्दनाक सड़क हादसे में रात को उसकी मौत हो जाती है। 2 महीने पहले सोनू की शादी हुई, जो राजमिस्त्री का काम करता था। रात को वह अपनी मोपेड पर अपनी बहन के घर डबरी जा रहा था। बांसा गांव का रहने वाला है और 0002 नंबर की एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसको टक्कर मारी दी, जिसमें सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन काफी गुस्से में थे, 2 घंटे तक जो है शव को सड़क पर रखकर जाम लगाए रखा, और ताकि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ तारी हो, जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि जानकारी यह मिली है कि स्कॉर्पियो समेत गाड़ी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम परिवार के लोग हैं वो इस समय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं, और सभी लोग यह चाह रहे हैं कि आरोपी जिन्होंने हिट एंड रन का मामला किया, अगर वह चाहता तो रुक सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उसकी रही होगी, तभी उसने टक्कर मार के भागने की कोशिश की, जिसके बाद जो है सोनू की मौत हो जाती है। सोनू की शादी तकरीबन 2 महीने पहले ही हुई थी, 2 महीने पहले सोनू की शादी हुई थी। सोनू जो है राजमिस्त्री का काम करता था, और परिवार में एक बहुत ही दुखद समाचार, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस नौजवान युवा की जो राजमिस्त्री का काम करता था उसी के ऊपर जो है पूरे परिवार का पालन पोषण चलता था, लेकिन कमाने वाला ही नहीं रहा, तो किस तरह से परिवार पर बीती है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और किस तरह से आप देख सकते हैं जो तमाम परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार, बांसा गाँव का रहने वाला सोनू, कैसे आपको जानकारी मिली और कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर, हमारे पे गांव में फ़ोन गया था चढ़ाव से, चढ़ाव में हमारी बरादरी रहती है, तो भाई थे वो मौके पर पहुंच गए थे, तो उसमें फिर हम पहुंच गए थे वहां पे, पुलिस भी वहीं खड़ी थी मौजूद, तो आपका मीडिया का इंतज़ार कर रहे थे उस टाइम, तो आपको कन्फर्म किया, तो आप बाहर जा रहे थे, कोई मजबूरी तो हो जाती है, तो पुलिस ने कार्रवाई की है, ऐसी बात नहीं है। गाड़ी वाले को पकड़ दिया थे? हाँ, गाड़ी वाले को उसी टाइम पकड़ लिया था। समझते हैं कि गलती तो रही, भाग गया वो मौके से? हाँ, उस टाइम भाग गया था सर, पुल पे से मारा आदमी ने पीछे लग के, ना बाइक पे मारे आदमी ने पीछे लगा के, फिर वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, तो वहाँ पे रामनगर चौकी ने फिर वो पकड़ी है। तो कब शादी हुई थी सोनू की? 2 महीने पहले हुई थी सर। आपका नाम जी? रामपाल है सर। तो आप देख सकते हैं 2 महीने पहले ही सोनू की शादी हुई थी, और किस तरह से उसकी कल रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। सोनू का कोई कसूर नहीं था, वो जो है रूटीन की तरह अपने उसी रूट पर चल रहा था, कल बहन के घर डबरी गांव जा रहा था। जानकारी ये मिली कि रोड पर एक कोई ट्रक खड़ा था, और जैसे उसको ओवरटेक किया या वहां से साइड से आगे निकलकर आगे जाने की कोशिश की, तभी सामने से आ रही एक 0002 नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी HR20B 0002 ने उसको जो है कुचल दिया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और इस समय तमाम परिवार के लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी आरोपी इस मामले में है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आपको गाड़ी चालक की लापरवाही रही, गलती रही? ये गाड़ी चालक की लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ है, बाकी पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। सोनू कहाँ का रहने वाला था जी? सोनू गांव बांसा का रहने वाला था। क्या काम करता था जी? ये राजमिस्त्री काम करता था सर। तो कहाँ से कहाँ जा रहा था कल? सर, ये कल जो मेरे को पता लगा, मैं सुबह आया, मैं गांव मुनक का रहने वाला हूँ, जो मेरे को यहाँ पता लगा ये बांसा गांव से डबरी के गांव में जा रहा है। कार चालक को पकड़ लिया उसको, जो भी आरोपी है? देखो, इसके बारे में मेरे को अभी पूरा पता नहीं है सर, मैं अभी आया हूँ, लेकिन ये बता रहे हैं कि पकड़ लिया है। तो बिल्कुल पकड़ लिया गया है, और इस समय आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि कागज जो है तैयार किए जा रहे हैं, पोस्टमार्टम कराकर जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार, कल करनाल में चढ़ाव मोड़ के पास नारायणी कॉलेज के सामने जो है ये हादसा हुआ था। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। किस तरह से 27 साल का सोनू, जो राजमिस्त्री का काम करता था, मोपेड पर अपनी बहन के घर जा रहा था, और उसकी जो है इस हुए दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। 2 घंटे जो है परिजनों ने वहां पर अपना गुस्सा जाहिर किया, शव को वहां पर रखकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से जो स्कॉर्पियो चालक था वो मौके से भाग गया। हालांकि उसको चबीटी हुई, लोगों ने पकड़ा, रामनगर पुल के पास जो है उसको पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन पुलिस अब जांच करेगी कि आखिरकार क्या वाकई उस गाड़ी चालक की गलती थी या कैसे हादसा हुआ, यह जांच का विषय जरूर है। उस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो
पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, तमाम परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हैं। और एक बहुत ही दुखद समाचार, जहां पर 27 साल का सोनू जो अपने मोपेड पर अपनी बहन के घर डबरी जा रहा था, बांसा गांव का रहने वाला था, किस तरह से एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसको टक्कर मारने के बाद वो मौके से भाग गई और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। यह जानकारी मिली है कि 2 महीने पहले ही जो है सोनू की शादी हुई थी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ भी जरूर मिल पाए। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल।